नमस्कार किसान साथियों, माय कृषि ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आपका अपना दोस्त मनोहर पाटीदार, तो मैं आज आपको बताऊंगा तिल की फसल की जानकारी, जो कि मैं एक वीडियो पहले डाल चुका हूं इस विषय में तिल की फसल के ऊपर। तो ये है जायद की फसल तिल, और आज तारीख है 23 मई 2020। तो इस प्रकार से है ये तिल की फसल। देखिए, आप पूरा खेत में देख लीजिए पहले। इस प्रकार से है तिल की फसल। तो मैंने इसकी डिटेल आपको दे ही दी थी पूरी पिछली वीडियो में, और उसके साथ में फिर बता दूं मैं आपको, ये लगभग 15 से 20 मार्च के बीच में लगाई है फसल, और इसमें 3 से 4 सिंचाई हुई है अभी। वैसे ये फसल 3 सिंचाई में भी हो जाती है, लेकिन आपके पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था है तो आप 4 सिंचाई इसमें कर सकते हैं, और बढ़िया होगी, 1 सिंचाई और ज़्यादा मिलेगी तो। लेकिन 3 पानी में भी ये आसानी से हो जाएगी। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया लहर लहर आई है अभी हवा में, देखिए आप ये। तो इस प्रकार से है ये तिल की फसल, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्शन निकलने की उम्मीद है इस बार। इस प्रकार ये देखिए आप, मैं आपको एक एक पौधे बताता हूँ। यहाँ देखिए आप, अब इस पौधे में देखिए आप कितना बढ़िया लगा हुआ है। देखिए तिल की डोरिया कितनी बढ़िया बनी हुई है इसमें, ये देखिए आप, पूरी ऊपर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक भरी हुई है डोरियों से, ये तिल की डोरिया है देखिए। और इस पौधे में देखिए फिर आप, तबीयत खुश होने वाली फसल है, और बहुत ही लो कॉस्ट, बहुत ही कम खर्च की फसल है। इसमें खर्च बहुत ही कम आता है, इंसेक्टिसाइड बिल्कुल नहीं लगता है, इसमें कोई कीट वगैरह नहीं लगते हैं, बहुत ही कम इसमें कीट का प्रकोप रहता है। एक आध बार आप किल इसमें वाइट फ्लाई या फिर थ्रिप्स मच्छर के लिए आप इसमें स्प्रे कर दे तो बढ़िया है, बाकी अनदर कोई आवश्यकता नहीं रहती है इसमें। तो ये इस प्रकार से तिल की फसल है। तो एक एवरेज मैं आपको इसका बताना चाहता हूँ, हमारे गांव में और हमारे आसपास में लगभग 1 बीघे का 1 से 1.5 क्विंटल तिल आसानी से निकलने की संभावना है, और हर साल लगाते हैं लोग, 1 क्विंटल तो आसानी से निकल जाता है क्योंकि इसका प्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए, तो मैंने इसका एक वीडियो पहले डाला था, उसमें मैंने इसकी वैरायटी और भी कुछ जानकारियाँ दी थी। आप देखना चाहें वैरायटी कौन सी है तो ये भी आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से है ये, और जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताता आया हूँ, मैं नीमच मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो ये इस प्रकार से है तिल की फसल। तो ये मुख्यतः होती है गर्मियों की फसल है ये, बारिश में भी होती है लेकिन बारिश में इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, बारिश ज़्यादा होती है और थोड़ा मौसम भी ठंडा रहता है इसलिए। तो ये अभी बहुत ही बढ़िया गर्मी की वजह से इसमें बहुत बढ़िया ये डोरिया आई है, और बहुत ही बढ़िया तिल लगे हैं। तो इस प्रकार से है ये तिल की फसल, और इसमें बस अब इसको लगभग कटाई की अवस्था होने लगी है, 8 से 10 दिन में इसकी कटाई स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये है तिल की फसल। आप भी लगाना चाहे गर्मियों में तो लगा लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा देखना आपको यह है कि मार्च में लग जाना चाहिए, लगभग 20 मार्च से पहले आप लगाएंगे तो प्रोडक्शन अच्छा आएगा। मार्च के बाद में जो आप लगाएंगे ना, तो उसमें थोड़ा गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर इतनी बढ़िया ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से है ये तिल की फसल। तो मेरी जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद किसान साथियों।